हाय गाइस, दिस इज योर सोनल। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और सोनल जयपुर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं अभी हूँ घर के छत पे और आज की जो मौसम है वो बिल्कुल भी रेनी सीजन टाइप की लग रही है। लग रही है ना कि अंधेरा होने वाला है, तो बिल्कुल यहाँ पे आज अंधेरा ही जैसा मौसम क्या हुआ है। और ठंड भी काफ़ी है, बट मैंने कपड़े सुखाने थे तो मैंने यहाँ पे छत पे आके मैं कपड़े सुखा चुका हूँ। और आज की जो हमारी ब्लॉगिंग होने वाली है ये एक नॉनवेज रेसिपी ब्लॉगिंग होने वाली है। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है, मेरा ये वीडियो आप अंत तक देखें। और आप सभी को अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, और बगल में रहे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि मेरे नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक जल्द ही पहुँच जाए। तो मिलते हैं अब अपने किचन में, कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग, स्टे ट्यून्ड। अभी मैं हूँ आलू प्याज के शॉप पे। आप भी सोचते होंगे ना यहाँ पे आलू प्याज का शॉप क्यों दिखवाना, तो ये नेचुरली ये मार्केट से कम दरों पे देते हैं, इसीलिए काफ़ी भीड़ रहती है यहाँ पे। एक्चुअली ये आलू और प्याज के थोक विक्रेता है, होलसेलर है, तो मुझे भी आलू प्याज लेनी थी तो मैं यहाँ पे आया और आपको दिखा रहा हूँ। इनके शॉप का नाम सवेरा सब्जी दुकान है। और आप सभी को भी लेना हो तो आप प्लीज़ आ सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है एक्चुअली, आप एक किलो आप हाफ किलो भी मांगोगे तो देंगे। मैं मार्केट आया और मैंने देखा कि मेरे पास में कुछ पैसे कम पड़ गए, तो मैं यहाँ पे जेमको चौक के पास में HDFC का ATM है, यहाँ से मैंने पैसे विड्रॉल किए, फिर मैं चला गया चिकन लेने के लिए। गाइस, मैं अभी हूँ जेमको के पास, जेमको मार्केट के पास, और मैं आया हूँ यहाँ पे चिकन लेने के लिए। आज मैंने बताया ना आपको मेरी रेसिपी जो है वो चिकन की रेसिपी होने वाली है, तो मैं यहाँ से चिकन लेके घर जाता हूँ, फिर मिलते हैं। तो हम बनाने जा रहे हैं चिकन कसा। जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक नॉनवेज रेसिपी है, तो चिकन कसा उसमें मैं आलू ऐड करूँगा। नॉर्मली लोग चिकन कसा में आलू ऐड नहीं करते, बट मुझे आलू चिकन के साथ आलू का कॉम्बिनेशन बहुत सही लगता है, दैट्स वाई मैं इसे चिकन में किसी भी चिकन रेसिपी या फिश रेसिपी में मैं आलू ऐड करता हूँ। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमें चिकन कसा बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, उसके बाद प्रणाली बताऊँगा यानी विधि बताऊँगा कि कैसे कैसे किस प्रोसेस में हमें क्या क्या करना है और कैसे बनाना है। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आए। तो स्टार्ट करते हैं, पहले देख लेते हैं कि हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। सो हमें सबसे पहले पाउडर मसाले लेने हैं, जिसमें कि धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च की दो प्रकार की पाउडरें हैं, ये तीखी वाली है ये कलर के लिए है, और ये है हल्दी का पाउडर। और इसके साथ हमने गर्म मसाला में लिया है गोल मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी, और इसके साथ हमने ज़रा सा शाह ज़ीरा भी लिया है। और हमें चाहिए 3 बड़े साइज़ के प्याज, इसके साथ हमारी ये अदरक जाएगी, ये लहसुन, और एक मीडियम साइज़ का आलू। जैसे मैंने आपको बताया कि इस चिकन के आइटम में मैं आलू ऐड करने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले तो हम ऑनियन को स्लाइसिस कर लेते हैं, यानी प्याज को काट लेते हैं लंबे लंबे, और उसके बाद हम फिर मसाला तैयार करेंगे अदरक लहसुन के साथ। हमें इन पाउडर मसालों को एक साथ ग्राइंड करना है। सो कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग। अब मैं प्याज काट रहा हूँ गाइस, क्योंकि मुझे चाकू से काटनी नहीं आती। एक्चुअली मैंने एक बार ट्राई की थी चाकू से काटने के लिए, बट मेरे हाथ पे कट लग गई थी, तो तब से मुझे बहुत डर लगने लगा और मैंने बिल्कुल भी चाकू से काटना छोड़ दिया। मैं हमेशा ऐसे बैठी ही लेकर के बैठी से ही काटता हूँ। मुझे इसमें काटने में भी सुविधा होती है और मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं बहुत जल्दी ही जल्दी फास्ट फास्ट मैं इससे प्याज काट लेता हूँ। तो अब हम इन प्याजों को काट रहे हैं, काटने के बाद फिर आगे ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। हमने
ऑनियन के स्लाइसेस कर लिए हैं, देखिए मैंने प्याज काट ली है और अब हम जा रहे हैं मसाला तैयार करने के लिए। अदरक लहसुन और इन सब का पेस्ट बनेगा। मैंने अदरक लहसुन और गरम मसाला को पीस लिया है गाइस, और अब इसमें हम ये सब मिला के इसे कुछ देर के लिए मसाले के साथ सोक कर देंगे ताकि मसालों में पानी अब्सॉर्ब हो जाए और हमारा जो मसाला चिकन कसा है वो खाने में टेस्टी लगे। ये रहा सारा पाउडर मसाला और अब इस पर ऐड कर रहे हैं ये पेस्ट। हम अब इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और अब हम चिकन को वॉश कर लेते हैं निकाल कर। हमने मसालों के ड्राई मसालों के साथ अपनी जो ग्राइंड की हुई अदरक लहसुन और गरम मसाले की पेस्ट को मिलाकर ऐसा लिक्विड फॉर्म में हमें ले लिया है और इसे अब हम कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद अब हम जा रहे हैं चिकन को वॉश करने के लिए, फिर कंटिन्यू करते हैं। सो अब हम गैस स्टार्ट करते हैं। गैस ऑन करके अब मैंने इस पर कढ़ाई चढ़ा दी। हमारी कढ़ाई गर्म हो रही है और इस पर हम सरसों का तेल ऐड करेंगे। मैंने इसमें सरसों का तेल ले लिया है और तेल को गर्म होने के लिए हम छोड़ देते हैं। सरसों की तेल गर्म हो चुकी है, अब हम इस पर डाल रहे हैं फ्राई करने के लिए। इसे हमने अच्छे से धोकर काट लिया है स्लाइसेस में, यानी चार टुकड़ों में। देख रहे हैं ना, यहाँ से धुआं निकलने लगा, यानी कि हमारी तेल बिल्कुल गर्म हो चुकी है। हम इन आलू को फ्राई कर रहे हैं और इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करना है हमें, क्योंकि ये मसालों के साथ भी जाएगा, इसलिए हमें इसे हल्का गोल्डन फ्राई करना है।
हमारी आलू फ्राई हो चुकी है, अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। हमारे आलू हो चुके हैं फ्राई, अब हम इसे साइड में रख देते हैं। और अब इस पे हम डाल रहे हैं 2 तेज पत्ते बेली, और अब हम इस पे डालने जा रहे हैं ये ढेर सारा कटा हुआ प्याज। हमें प्याज को गोल्डन होने तक फ्राई करना है। गाइस, हमारी ऑनियन फ्राई हो चुकी है और अब हम इसमें चिकन ऐड कर रहे हैं। चिकन को हमने अच्छे से धो लिया है और ये रहा हमारा चिकन। अब हम इसे अच्छे से फ्राई कर रहे हैं। और साथ में हम इसमें आलू भी डाल देंगे, क्योंकि आलू हमने बहुत बड़े बड़े साइज के लिए है तो इसे पकने में टाइम लगेगा। इसलिए इसके अगर हम चिकन के साथ बनाएंगे तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और आलू भी हमारे सॉफ्ट और जूसी हो जाएंगे। तो हम इसे अब हम ऐड करते हैं, अब हम इस पे ऐड करते हैं नमक, स्वाद अनुसार नमक। और अब इसको अच्छे से मिला देते हैं। अब हम इसे ढक के फ्राई करते हैं 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में। गाइस, 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम देखते हैं कि चिकन का क्या हाल है। और ये काफ़ी सारी चिकन ने पानी छोड़ दी है तो हमें इन पानी को बिल्कुल भी सुखाना है, मतलब इसे ड्राई करना है ताकि ये अपना तेल छोड़ दे और हम इसमें उसके बाद मसाले को मिलाएंगे।
तब तक ये ऐसे ही फ्राई होंगे। तो हम इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं ढककर। गाइस अब हम देख लेते हैं चिकन हमारी फ्राई हुई है या नहीं। तो हमारी चिकन ने जो है ये देखिए आप अब हमारी चिकन ने जो है वो तेल छोड़ दिया है, यानी कि हमारी चिकन अच्छे से फ्राई हो चुकी है। फिर भी हम इसे और थोड़ी देर फ्राई करते हैं और उसके बाद हम इसमें मसाला ऐड करेंगे। गाइस अब हम इन चिकन में हमने जो मसाला मिक्स करके रखा हुआ है उसे ऐड कर देते हैं। चिकन अच्छे से फ्राई हो चुकी है और हम इसमें अब इन मसालों को ऐड कर देते हैं। मैंने इसमें मसाला ऐड कर दिया है और इसे अच्छे से फ्राई करेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें हम पानी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हम बना रहे हैं चिकन कसा। तो इन मसालों में जितना पानी है बस इसमें ही ये हो जाएगी। तो अब हम इसे ढककर 15 मिनट के लिए एकदम स्लो फ्लेम में रख देते हैं ताकि ये धीरे धीरे पक जाए। उसके बाद गाइस देख लेते हैं, इसमें उबाल आ गया और देखिए कितना सारा चिकन ने तेल छोड़ दिया। तो अब और इससे कच्चे मसालों की बू भी चली गई। तो अब हम इसे एक सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। आप सभी कमेंट सेक्शन में बताइए मेरी चिकन की रेसिपी कैसी लग रही है और आप सभी को कैसी लगी। सो आज तक का वीडियो यहीं तक था। नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहे मेरे चैनल पे। धन्यवाद। सो हमारी चिकन कोसा जो है ये तैयार है। देखिए गाइस कैसे लग रही है, आ गया ना मुंह में पानी। तो आप सभी भी ऐसे बनाएं और टेस्टी टेस्टी खाएं। धन्यवाद।